एक आई अब हम करने तनैन कहते भी अभी को पता है कि हमारी कार खराब हो गई थी 2-3 दिन पहले, तो हम पूरा मोहाली में घूमे। पहले रवि मोटर में गए, उन्होंने भी हमारा काम नहीं किया, उन्होंने हमें पागल बनाया। तो फिर हम आए थे ज्ञानी वर्ग दो, तो हम आपकी बात कराते हैं। भाई अपनी दुकान है कि केरे केरे बनने रोहतांग रोड भाई पूरा था, तो कहीं अगर आवे तो कैमी आवे रोहतांग रोड बांग में है हमारी दुकान, बांग में मनाली रोड पे। तो अभी हम इनका भी नंबर आपको डिस्प्ले में शो करवा देंगे, तो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है। अगर कोई भी मनाली आता है पाकिस्तान किसी की भी कार खराब होती है तो यहीं पर आए ज्ञानी मोटर पर। तो और आप कहीं और जाओगे तो वो आपको पागल बनाएंगे 2-3 दिन करके कि करते हैं, पर वो करते नहीं है। कहते उन्होंने हमें भी पागल बनाया था 3 दिन। तो ये है हमारी कार, क्योंकि क्लच प्लेटें खराब हो गई थी 3-4 दिन पहले। तो ज्ञानी मोटर पर हम आए हैं तब आके हमारी ये कार बनी है, नहीं तो हम भी 3 या 4 दिन में घूम ही रहे थे इधर उधर। एक आई अब हम ज्ञानी वर्कशॉप से निकल गए हैं, ये बना बिल। तो अब हम देखते हैं, बैठते हैं, तो आपको रिव्यू देखते हैं भी कि इन्होंने कितना काम किया है। तो इन्होंने बढ़िया करके काम किया था, कब हम ड्राइव करने गए थे। तो अब आपके सामने देखो पूरा का पूरा वर्क कर रहा है क्लच बढ़िया करके। तो अब हम चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे अभी, तो वो हमने चंडीगढ़ हमने 1 दिन पहले जाना था, तो कार खराब होने के चक्कर में हमें 1 दिन यहाँ मनाली में रुकना पड़ गया। तो अब हमारा अगला प्लान चंडीगढ़ का है। अब हम जा रहे हैं माल रोड, तो प्लान मेरा था माल रोड घूमने का। तो इन बच्चों को मैं दूध की बोतल पिला के लाता हूँ माल रोड से, अगर आपने भी पीनी है तो आप भी आना माल रोड। आई लव यू टू। हेलो ब्रो, से आए रियली गिव मी अ टाइटल। गाइस ये हमारी लार्ड नाइट माल रोड में, तो कहाँ पर हमने भी स्टे किया हुआ है वो भैया जी का होटल है। हमने कहा भैया जी के साथ घूमते हैं आज माल रोड पर। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम ढूंढने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो एटीएम का रास्ता कुछ यहाँ से सीढ़ी से है। हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में ढूंढ रहे थे, बड़े तो निकला फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये है कुछ आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम। तब तो मनोज पैसे निकाल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा फर्स्ट फ्लोर से मनाली की मार्केट दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग, कोई आइसक्रीम खा रहा है। अरे सामने मंदिर है बीचों बीच, दुर्गा माता मंदिर बीचों बीच मॉल रोड के, और वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है शायद नाइट क्लब का, तो ऐसा है कुछ नाइट क्लब है। काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो अब ये मयंक जी हमें गोल गप्पे खिलाने जा रहे हैं। तो भैया जी गोल गप्पे क्या रेट दे रहे हो? 3 रुपये 6 रुपये तो 2 प्लेट लगा दो। तो कहा जाए हमने गोल गप्पे खा के माल रोड पे वापस जा रहे हैं अपनी कार पर, हमने कार पार्किंग की थी। तो देखिए गाइस कितना यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। तो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग तो यहाँ तक जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं ना कहते मेन रोड के ऊपर चलते हैं, और ये लोग अपनी कार पार्किंग करके ही भूल गए कि हमने कहाँ पार्क की है कार। तो भैया जी ने याद करवाया था कि हमारी कार पार्किंग हमने यहाँ पर की है, तो किन्होंने पार्क की थी वही भूल गए। अगर ऐसे लोग एक दो और मिल जाए ड्राइवर आपको, तो बेटा आपने घूम लिया। तो होटल जाएंगे तो वहाँ से अपना चेकआउट करके सामान लगेज पैक करके फिर हम वे को चंडीगढ़।
यार नहीं एक मिनट, आपने मुझे ना मंडे कहा ना, मैं मंडे को नहीं, साहिब पाजी थोड़े से परेशान थे, परेशान जी चल रहे हैं। आपने बोला था कि संडे को लीव नहीं मिलेगी, मंडे को मिलेगी। मन्नी आगे पीछे गाड़ी करने में, मन्नी की गाड़ी नहीं चल रही, मन्नी की गाड़ी नहीं चल रही पाजी। ये हमारे पन्नी जी कभी कार को आगे कर रहे हैं, कभी कार को पीछे कर रहे हैं, तो लगता है पन्नी जी अभी नए नए ड्राइवर हैं, तो इनको अभी पता नहीं चला। ऐसे भी जुदान में कैद में निकालते हैं कार, तो इनको पहले गियर में एंड ब्रेक मारनी चाहिए क्लच को लोड करके। ये तो बन्नी भाई ने कार तो निकल गई हमारी। अरे साहिब पाजी कुछ नहीं करते हैं ये, राम राजे राम नर लव यू। आओ पाजी बैठो, क्या हुआ? 10 मिनट मैंने तुम्हें, 10 मिनट मैंने तुम्हें 20 बार मिस करा पाजी। ओ रियली? क्या हुआ? कहते कि अभी आपने देखा था कब हम माल रोड से निकल रहे थे अपनी कार पार्किंग से निकाल के, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो कनाल देखिए ने अपना दिमाग लगा के कितना भी है चलो है भी ब्रिबी, तो इन्होंने अपनी कार बाहर निकाली पार्किंग से, तो अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे जाके हमें ट्रैफिक ना मिले। होटल से किधर जाएंगे पाजी हम? होटल से हम पहले हम जाएंगे होटल, वहाँ से अपना चेकआउट करेंगे, भैया जी को मिलेंगे, तो फिर चंडीगढ़ के लिए जाएंगे हम। शिमला का क्या हुआ? शिमला का प्लान कैंसिल कर दिया, ट्रेन वो भी अगली बार। चलो ठीक है भाई, मनोज जी का कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में मनोज जी का कोई काम भी है या हमें घुमाएंगे भी बनाएंगे भी। पाजी बस वाले के लिए कुछ कहना चाहेंगे, इसने जाम लगा दिया, ये बस वाले ने पूरा का पूरा रोड जाम कर दी। कुछ लोग होते हैं कि आते हैं तो लोगों को अकल नहीं आती चलाने की, लोग जाम करके बैठ के रह जाते हैं, कि बाकी की पब्लिक भी पूरा का पूरा परेशान रहती है। ये एक कार वाला देखिए, आप ये पुलिस वाला कितने भी उड़ मार ले कोई कोई पैदा नहीं इंडिया में। मनाली में आके मुझे एक दिन बहुत बुरी लगी कि लोग देखो अपने फुट पाथ पर ही चलते हैं, रोड के ऊपर नहीं आते, तो कह रहे और जगह हम जाते हैं तो वहां पर लोग रोड पूरी पूरी जाम कर देते हैं पैदल चलने में, तो मुझे नहीं लगा था, मुझे लग रहा है यहाँ के कितने भी रोडवेज वाले हैं वो पूरे पूरे पागल हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखते हैं काम लगा के। भाई नहीं हिमाचल रोडवेज को पागल साबित कर, इनको भी अपना वो प्राइवेट है, ये बस है, प्राइवेट है हिमाचल के लिए, इनको अपना कोई ना कोई करना चाहिए, एक टेंट बनाना चाहिए कि रात को क्राउड तो होता है, लोग आते हैं माल रोड घूमने, तो उनको कोई प्रॉब्लम इश्यू ना हो, पर नहीं लोगों को, लोगों की आदत होती है कि अगले को परेशान करके। ये देखे लोग आते घूमने फुटपाथ के ऊपर अपना वो कर रहे हैं, कितने समझदारी दिखा रहे हैं लोग। वो लड़का ड्रिंक पी के जा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंक मीनिंग ये नहीं है कि वो एक्लोरी वो शराब पी रहा है। कल्याण रोड पे आखिरी बार कल्याण से अपनी कार ड्राइव करते हुए तो हम जाएंगे अब होटल में, तो मुझे उम्मीद है कि कल्याण मनाली में कोई और को याद करे ना करे ये रोड को जरूर याद करेंगे, क्योंकि कभी भी हम पैदल वॉक करते थे या घूमते थे तो यही कहते थे ये देखो रोड का नाम क्या है, रोड का नाम क्या है, कन्याल कन्याल करके। तो मुझे उम्मीद है कि अब इंडिया की भी कितनी भी रोड है तो उसका नाम कन्याल रखना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि बाद में कहेंगे ना, ये कहीं कहेगा ना इसको मनोज को कन्याल को, इधर बाप की रोड है क्या ये, कहेगा जाके नंबर प्लेट देख कन्याल रोड लिखा हुआ है। देखिए कहते लोग यहाँ पर आके ट्रिपिंग करते हैं तो रूल की पूरी माँ बहन एक कर देते हैं, कोई बात नहीं आके जाके इनका भी चलान होगा तो अब इनको पता चलेगा। और यहाँ पर आजी अपने बेटे से बात करते हुए हमको भी बता रहे हैं, एक इसमें सस्पेंस है अनुराग, बेटा है कि बेटी, सस्पेंस जोर करो जरा यार, मुझे बस इतना पता है पाजी का है। भैया का नाम धर्मेंद्र है, इन्होंने हमें बहुत कब से आए यही हमारी वो कर रहे रूम सर्विस, तो चाय मांग रहे जाए हमारे रूम में, एकदम भैया की आज की ना चाय पियोगे आप पीते रहोगे, और ये यहीं मिलेंगे। तो टाइमिंग की भैया हमें कहना नहीं पड़ता, भैया चाय ले आओ, भैया पहले चाय ले आते रूम में तो लोग करते हैं कि उठो चाय पियो, तो अब रात को भी कहोगे 11 बजे तो भैया 11 बजे भी चाय बना के देते हैं आपको, तो ये नहीं कि रात होगी मैंने नहीं बनाई चाय थोड़ी, तो आप ओशन इन में होगे तो भैया मिलेंगे धर्मेंद्र भैया, ये हमारे भैया नहीं भाई जान है, आप इनसे मिलना बढ़िया। अच्छा कर दिया आपने, खाते यार इतनी बेटा भैया है, नॉन वेज है, नॉन वेज
अभी हम कह रहे थे ना भैया की वो उधर भी बहुत कोटा में बहुत जल्दी आती है टाइम पे। अब दो मिनट पहले कहते हैं देखो इसमें भैया नॉन वेज पैक करवा के लाए हैं और इसमें वेज, ये है मनोज का वो है उन दोनों का, तो मेरा है रात का व्रत आपको पता है आज हमने मनाली थे चंडीगढ़ के लिए निकलना था, थोड़ी रात हो गई है और थोड़ा बारिश भी होने लगी है हल्की हल्की, तो अन्नू भाई ने पूरी मेहनत करके उतारा दमान रख दिया चक्की में, ओनली अन्नू भाई ने बारिश भी करा दी और दमान भी रख दिया। तो मयंक जी यहाँ पर करे हैं, भैया जी यहाँ पर हैं और मनोज यहाँ पर है, तो ये होटल ये होटल है भैया जी का, तो कन्याल रोड पर आप आओगे 300 मीटर ऊपर अब अगली बार आएंगे तो भैया से जरूर मिलेंगे, या वैसे भी आए कोई काम दे या घूमने आए तो भैया को भैया के यहाँ तो जरूर आएंगे एक बार।